कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को मुंबई में दो लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। दोनों ही 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद ओमिक्रॉन है या नहीं इसकी जांच के लिए सैंपल को पुणे के NIV में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है, ऐसे में चिंता बढ़ गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। देश भर में अब तक 23 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। खतरनाक स्थिति बताई जा रही है। कोरोना के नए खतरों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत 500 से घटाकर 350 रुपए कर दी है। वहीं होम कलेक्शन पर 800 की जगह अब 700 रुपए देना होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। तो भारत में रविवार को COVID-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के 17 मामले आए थे। इनमें से 9 मामले जयपुर में, 7 महाराष्ट्र के पुणे जिले में और 1 मामला दिल्ली का है। जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें से अधिकतर हाल ही में अफ्रीकी देशों से आए हैं या इस तरह के लोगों के संपर्क में आए थे। देश में पहली बार COVID-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के 2 मामले दिसंबर को कर्नाटक में सामने आए थे, लेकिन अब ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए वेरियंट के खतरे को देखते हुए सरकार विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। केंद्र सरकार ने कई देशों को एट्रिक्स की लिस्ट में डाल रखा है। जिन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में डाला गया है उनमें ब्रिटेन सहित यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोस्वाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इसराइल भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो वेरियंट का खतरा लगातार बरकरार है और ओमिक्रॉन की वजह से अब तक 23 लोग संक्रमित हो गए हैं।